নমস্কার, স্পটার নিউজে আপনাদের স্বাগত। ইডেনে দক্ষিণ আফ্রিকাকে দুর্মুষ করলো ভারত, জন্মদিনে বিরাট কোহলি সেঞ্চুরি করলেন। এরকম জন্মদিন পালন সত্যি স্বপ্নের মতো, কিন্তু তবুও তিনি খুব একটা উৎসাহে মাতেননি। টিম বাসে তিনি যখন উঠলেন, গম্ভীর মুখে উঠেছেন, তার শরীরের ভাষা বলে দিচ্ছিল তার কাজ এখনো শেষ হয়নি। আইসিসি টুর্নামেন্টে গত 10 বছর সেমিফাইনালের বেড়া ডেঙ্গাতে পারেনি ভারত। সেমিফাইনালে সেই বেড়া ডিঙিয়ে যতক্ষণ না কাপ ছুটছেন, বিরাট কোহলিকে আজকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লেগেছে। পাশাপাশি আজকে কথাবার্তা বলতে মিডিয়ার সামনে হাজির ছিলেন রবীন্দ্র জাদেজা, তিনিও বিরাটের প্রশংসায় ভরিয়ে দেন মিডিয়াকে। চলুন দেখে নিই ঠিক কি বলেছেন রবীন্দ্র জাদেজা। क्रेडिट विराट और जो क्रिटिकल बैट्समैन ने उन लोगों के स्पिनर्स को हैंडल किया वो बहुत ही अच्छा था। और हमें आइडिया है कि कलकत्ता जब भी आते हैं तो थोड़ा बाउंस कम रहता है और स्पिन भी रहता ही है, तो मे बी वो एक एडवांटेज था कि हम लोगों को पता था कि स्पिन होगा और विकेट स्लो ही खेलेगा, तो मेंटली प्रिपरेशन दिमाग में वो लेके खेलते हैं। हमेशा ही कोई भी फॉर्मेट आप खेल रहे हो कि जब आपके फास्ट बॉलर ऊपर से 2 या 3 विकेट लेते हैं तो स्पिनर के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्लो विकेट पे आने वाला बैट्समैन सीधा ही बड़े शॉट नहीं खेल सकता, उसको टाइम चाहिए। और स्पिनर और कॉन्फिडेंस से बॉल डाल सकता है कि जहां उसे बॉल डालना है, जो स्पीड से डालना है, जो वेरिएशन करना है वो कर सकता है। तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि हमारे तीनों फास्ट बॉलर हर एक मैच में हमें दो तीन विकेट लेके दे रहे, बल्कि कभी तो बार ज्यादा भी दे रहे, तो अच्छा है। और होपफुली बस ये आने वाले नॉकआउट स्टेज में ऐसा ही परफॉर्मेंस, टीम अगर हमारा ऐसे खेलेगी तो बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी तक जैसे टूर्नामेंट में हम खेलते आ रहे हैं, पिछला मैच 300 रन से जीता, अभी आज फिर वन साइडेड, जो 8 के 8 मैच जीते हैं लगभग हमने वन साइडेड जीते हैं, और सबसे टफ जो चुनौती माना जा रहा था वो इसी मैच को माना जा रहा था, लेकिन वो भी साबित नहीं हुई। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं नॉकआउट में जाने से पहले एक बार टफ टेस्ट इंडिया के लिए जरूरी था? और दूसरा ये कि क्या आप लोग आज वो बर्थडे की वजह से एक्स्ट्रा मोटिवेटेड थे? बर्थडे और इंडिया के लिए खेलने से कोई रिलेटेड, कोई कुछ भी चीज रिलेटेड नहीं है। जब भी इंडिया जैसे में हम खेलते हैं तो हर एक दिन बर्थडे ही होता है, क्योंकि बहुत कम लोगों को मौका मिलता है इंडियन जर्सी पहनने के लिए, तो बहुत ही बड़ी बात होती है। बट नहीं, अगर बर्थडे के दिन अच्छा परफॉर्मेंस किया और टीम जीती हुई तो और वो डबल स्पेशल हो जाता है। और जैसे आपने पूछा कि कोई टफ मैच क्यों नहीं बना, तो अच्छी बात है कि टफ मैच बनना भी नहीं चाहिए। सामने वाली टीम अगर खेलने हैं तो उनको लगना चाहिए कि वो और प्रेशर में और पैनिक कर जाएंगे, उनका जो प्रिपरेशन है कि भाई ये इंडिया के सामने खेलने जाएंगे तो उनकी टीम बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रही है बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में, तो यही होना चाहिए। और मैं कहूंगा कि ये वाला जो भी स्टेज आएगा वो तो और इम्पोर्टेंट है, तो अगर हम वन साइड मैचेस जीत रहे हैं तो सामने वाली टीम के ऊपर और दबाव बना रहेगा। नहीं, अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, बट जो भी मतलब 49-50 जो भी है ये ठीक थाली में गिर रहा है तो अच्छा है, मेरी बात नहीं जा रहा तो चलते रहे। और क्या है, उसमें खुशी की बात है कि इम्पोर्टेंट गेम्स में और इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट है, और ये वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, तो जितना भी रिकॉर्ड हुए, रन बने, विकेट ले, सब हमारे लिए अच्छा ही है, तो बस चलने में नजर मत लगाना किसी से। देखो मैं तो खुश तो बहुत ही हूँ, और आपने कैप्टन की बात कही तो मैं तो पहले मैच से कैप्टन की तरह ही सोचता हूँ, बट बना नहीं हुआ बट एज ऑलराउंडर का रोल यही होता है कि अगर कोई ऐसी टफ सिचुएशन में थोड़े 30-35-40 रन बनाने पड़ते हैं, और जब पार्टनरशिप लगी हो तब एक आधा विकेट आउट करे पूरा गेम चेंज कर सकते हैं, तो वही उनका रोल होता है। और कोशिश में यही करता हूँ कि इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस रहे मेरा बैटिंग में या बॉलिंग में, जब टीम को जरूरत हो
कोई भी डिपार्टमेंट में, और फील्डिंग तो मैं कभी भी ध्यान नहीं देता हूँ, मुझे भी लगता है कि पहले से भी कैच छोड़ सकते, तो मैं और तैयार रहता हूँ कि मेरे पास अगर कैच आ गई तो रिलैक्स नहीं रहता हूँ फील्डिंग में, तो बस कोशिश करता रहता हूँ, बाकी कभी कभार होती है कभी कभार नहीं होती है, बट कोशिश लगी रहती है। नहीं, टॉस जीतने के बाद हम अपने आप को चैलेंज करने का देख रहे थे, क्योंकि अगर हम दोपहर में बॉल डालते हैं तो शायद अलग और इतने रन ना बनते, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बहुत ही रुक रहा था और बाउंस भी नहीं था और टर्न ज्यादा हो रहा था, लगातार टर्न हो ही रहा था, तो एक चैलेंज अपने आप को करने वाली बात थी कि अब पहला बैटिंग लेके सेकेंड अगर ट्यूब भी आ जाता है तो ट्यूब के साथ हम कैसे बॉल डाल सकते हैं, क्योंकि नॉकआउट स्टेज में कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो हमको वो सिचुएशन में कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है वो पता होना चाहिए, तो बस वही एक रीजन था। जरूर, आपने तो विराट के 49 मैक्सिमम उसके साथ खेले भी है, साइडलाइन तो देखे भी है, इस पिच को देखते हुए इस 100 को आप कहते हैं तो कहां पे रखते हो एज अ प्लेयर इस क्वालिटी के? देखिए, बहुत मैं कहूंगा कि ये उसके लिए भी स्पेशल होगा और टफ होगा, क्योंकि जैसे विकेट दोपहर में था, एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि 262-270 भी ठीक है ये विकेट पे, और वो टाइम पे स्ट्राइक रोटेट करना, बाउंड्रीज लेना, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, तो स्पेशल मैं कहूंगा कि जब टीम में टाइम पे रन नहीं आ रहे थे, उनके दोनों स्पिनर ठीक बॉलिंग डाल रहे थे और उसके सामने स्ट्राइक रोटेट करके बाउंड्रीज करके और नॉट आउट 300 के ऊपर स्कोर पहुंचाना, तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और एक बहुत बड़ा एफर्ट लगता है उसको। सो फार तो आप लोग अनबीटन रहे हैं टूर्नामेंट में, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने के पहले आप लोग कौन सी टीम से ज्यादा कंपटीशन या टफ मान रहे थे इन टर्म्स ऑफ योर प्लानिंग ऑफ प्रिपरेशन, आप और टीम वाइज जिसको आप सोचते थे सबसे ज्यादा चैलेंज इस टीम या इन टीमों से मिलेगा? देखिए, वाइट बॉल में कभी कभी क्या होता है ना कि ड्यू का फैक्टर आने से जो सिचुएशन होती है वो पूरी डिफरेंट हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि दोपहर में अगर हम बॉलिंग डालते हैं और रात को ड्यू आ जाता तो शायद बॉल स्पिन ना भी होता, जो दोपहर में इतना बॉल घूम रहा था, तो कभी कभी वाइट बॉल में ड्यू का बहुत मेन कारण रहता है कि उसकी वजह से कोई भी नॉर्मल टीम भी बड़ी लगती है, और टीम नहीं आने से और अपनी फेवर में सब चलने से कोई भी बड़ी टीम लगती भी नहीं है कि इसको तो ऐसे हरा देंगे, तो वो सब चीज बहुत फैक्टर करता है, और कौन से सिचुएशन में आप क्या आपका गेम प्लान आप बनाते हो वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है। कैमरा सागर संगे जय चौधरी, विभिन्न धरण खबर अपडेटर देखते थकून चैनल।